नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार इंडिया में और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। खबर यूपी के जनपद बहराइच से है, जहां 56 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नवाबगंज पुलिस ने सीआईएसएफ के जवानों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला। आपको बता दें कि एसआई आरके सिंह ने सीआईएसएफ जवानों के साथ साथ थाना प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव, निरीक्षक शिवानंद प्रसाद यादव, साथ ही एसआई रामनारायण चंद्रपाल यादव द्वारा पुलिस जवानों सहित फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में स्थानीय पुलिस स्टाफ भी सम्मिलित हुआ। चुनाव के मद्देनजर निकाले गए इस फ्लैग मार्च को लेकर हमारे संवाददाता ने एसआई आरके सिंह थाना प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव से भी जानकारी ली। सर, पेट्रोलियम के तहत इस लोकसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, जो लोकसभा चुनाव 2019 के लिए हमारी जो तैयारी है उसमें पैरामिलिट्री फोर्स या ये सब मुझे पर्याप्त संख्या में मिला है। इसको लेकर के क्षेत्र में मतदान केंद्रों का भ्रमण करना तथा जो कमजोर और दलित वर्ग के लोग हैं उनके अंदर यह विश्वास पैदा करना कि वो निर्भीक होकर के अपने मतदान का प्रयोग करें, साथ ही अपराधियों और सामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए और उनको जो कड़ी से कड़ी अगर नियम का उल्लंघन करते हैं तो सजा देने के लिए पुलिस बल तैयार है। सर, ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये क्षेत्रवासियों को हमारे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या संदेश दे रहे हैं? पैरामिलिट्री फोर्स का सीआईएसएफ का हूँ मैं, मेरा नाम आरके सिंह है जी। सर, मैं 341 कंपनी का हूँ। हम लोग का यही उद्देश्य है कि शांतिपूर्ण रूप से चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लोकल प्रशासन के साथ में शांतिपूर्ण मतदान कराना, किसी तरह का कोई भेदभाव न हो, सब निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से अपने मतदान का प्रयोग करें, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो और कहीं कोई गलत न हो। मेरा मेन टारगेट पैरामिलिट्री फोर्स का यही उद्देश्य है कि हम लोकल फोर्स के साथ में उनका सहयोग करें। इसके बाद में बूथ के साथ में, इधर आ जाइए, बूथ के पास में जो भी हमारी डिप्लॉयमेंट रहे, शांतिपूर्ण रहे, निष्पक्ष रहे, वहाँ बिना किसी भेदभाव के हम निष्पक्ष चुनाव कराएं और आचार संहिता का हम पालन करवाएं, ये मेरा मेन उद्देश्य है। तो वहीं दूसरी खबर भी यूपी के जनपद बहराइच से ही जुड़ी है, जहां किसानों की मुसीबत का सबब बनी घाघरा नदी है। घाघरा नदी ने बेमौसम रुद्र रूप धारण किया हुआ है और नदी के इस तांडव से किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन जल में समा गई है। आप तस्वीरों में ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार यूपी के जनपद बहराइच के फरूखपुर ब्लॉक के मंझारा तौकली में उफान मचाती नदी किसानों के लिए श्राप बन गई है। वो किसान जिसने बड़ी मेहनत के साथ इस जमीन पर अपनी फसलों को बोया था, ये सोचकर कि एक रोज ये फसलें मुझे मुनाफा देगी, पर आज एक झटके में उसकी सारी फसल नदी में समा गई है। प्रशासन ने इस घटनाक्रम में अपनी नजर दौड़ाने की भी जहमत नहीं उठाई। वहीं कटान को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। किसानों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि हमने इस जमीन पर गेहूं, तरबूज, सब्जी, खरबूज की फसलें अपनी गाड़ी कमाई से बोई थी। जब फसल से मुनाफा मिलता तो मुनाफे से पहले ही सैकड़ों बीघा जमीन के साथ फसल भी घाघरा में समाहित हो गई। हमें इसकी जानकारी सहकारिता मंत्री डीएम एसडीएम को दी, लेकिन किसी भी आला अधिकारी ने हम किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मृत्यु चंद राजभर, यहाँ पर जो कटान लगी है किस क्षेत्र में लगी है? गोरैया नंबर 3 में लगा है। यहाँ पर परवल और पिपरमिंट गेहूं का फसल कट रहा है और इतना तेजी से कट रहा था कि भाग नहीं खींच पावत। और कब से कटान लगी है? कटान लगल 1 घंटा हो गए, 1 घंटा से लगल बा। 1 घंटा में 1 बीघा के दौरान काट ले रख, गेहूं भी बीजे पाल के गिर रहा बाटे। क्या प्रशासन से कब तक से अब लोग सुनवाई नहीं हुआ, कब तक से? सितंबर से हमनी के बहुत हल्ला कैलिया, मंत्री जी के बोलौनिया और सबके बोलौनिया, बहुत प्रशासन सब अलग, कोई एसडीएम साहब भी अलग, कोई हम निकाती के यानी बात सुनने वाला तैयार नहीं थे। बेशक आज हमारे देश में सभी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या फिर यूपी में खुद का परचम लहराने का दावा करता गठबंधन, सिर्फ अपने भाषण में ही किसानों को याद रखता है। चुनाव के साथ
किसानों के नए नए नारे लगते हैं और चुनाव जीतने पर नारे भी खत्म हो जाते हैं और नेता अपने वादे भी भूल जाते हैं। किसान की दशा को देखना, उसकी समस्या को जानने की कोई भी नेता, कोई भी प्रशासन जहमत नहीं उठाता। खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।